इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्राम के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर लॉजिक को बिल्ड करते हैं। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और, उसके बाद लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स होते हैं। ये भी हमारे पास जब वैल्यू रिटर्न करेंगे एज ए आंसर, तो ट्रू या फॉल्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर के केस में कि वो वैल्यूज जो है वो ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न कर रहे थे, तो ये भी इसी तरह जो है ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई और एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर साइन जो है वो डबल एम परसेंट हम यूज़ करते हैं। एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स लेस देन वाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है और एंड ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है और एक्स लेस देन वाई। तो इसमें एंड ऑपरेटर में होता क्या है कि दोनों वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पर ये हमारे पास ट्रू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। तो इसके लिए ट्रू होने के लिए जो है दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो ट्रू है ये स्टेटमेंट, लेकिन एक्स लेस देन वाई यहाँ पर ये कह रहा है, तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर ये हमें जो है वो फॉल्स ही जो है वो रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए जो है वो दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। इसके अलावा अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर और ऑपरेटर यूज़ कर लूँ, तो और ऑपरेटर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अगर इसमें होता यह है कि और ऑपरेटर में कि एक भी वैल्यू, ये एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो, तो तब भी हमारे पास जो है आंसर जो है वो ट्रू जो है वो रिटर्न होगा। एंड में जो है हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जो है वो लाजमी होता है। इसके बाद एंड और में जो है वो एक स्टेटमेंट हमारे पास अगर ट्रू हो, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। तो एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है। अगर इसको रन करेंगे तो ये जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसके बाद इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा इसी स्टेटमेंट को। और अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ नॉट, इसके लिए मैं यहाँ पर एक और वो लगा देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ब्रेकर लगा देता हूँ, तो ये जो है एक्स या वाई की वैल्यू जो होती है स्टेटमेंट को उल्टा कर देता है। नॉट का मतलब अगर वैल्यू ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रू जो है वो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट किया था। आप देखें यहाँ पर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, यहाँ पर जस्ट मैंने जो है वो नॉट लगाया है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था, फॉल्स था। तो इसको उलट कर दिया है इस जो है नॉट ऑपरेटर ने, फॉल्स को इसने यहाँ पर ट्रू कर दिया है।